आर इन शिमला, सो दिस इज़ अ फर्स्ट डे ऑफ अ ट्रिप. तो हम आज ही पहुँचे हैं शिमला. जैसे कि आपने लास्ट प्रीवियस व्लॉग्स में तो देखा ही होगा, तो वी ऑल जस्ट चेक इन टू द होटल. हमने थोड़ा रेस्ट किया, वी गॉट रेडी, फ्रेशन अप. अब हम निकलेंगे बाहर, सबसे पहले लंच करेंगे एंड देन वी हैव रियली नॉट डिसाइडेड. वी हैव ऑलरेडी प्री बुक्ड अ कैब. तो जैसे जैसे भैया हमें जैसे भी आइटनरी बताएंगे हम वैसे करेंगे. एंड आई विल व्लॉग एवरीथिंग, आई विल ट्राई टू व्लॉग एवरीथिंग. आई होप सो यू विल एंजॉय दिस ट्रैवल सीरीज. तो पहले एक छोटा सा रूम टूर दे देते हैं आपको. तो शिमला में हम रुके हैं एस्टन शिमला हिल्स होम स्टे में. एक्चुअली मैंने ऑनलाइन सारे जो बुकिंग से मैंने booking.com से किया. मैं एक बार आप लोगों को होटल का बाहर से दिखा देती हूँ एंड लोकेशन सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी. तो एज यू सी नीचे ही सबसे पहले रिसेप्शन एरिया है. दिस इज द रिसेप्शन एरिया. एंड देन यहाँ से आप अपस्टेयर्स जाते हैं. अभी पहले निकलेंगे बाहर, देखते हैं. पहले तो लंच करेंगे, इट्स ऑलरेडी 1:20 एंड देन विल प्रोसीड टू द प्लेसेस. सो वी आर रेडी एंड होटल से नीचे से तो ऐसे व्यू है, ऊपर रूम से तो अच्छा व्यू लगता है. बट मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो. वैसे इससे भी बेटर होटल्स मिल जाएंगे आपको शिमला में. So you can choose them over this. तो हम आ गए अपना लंच करने के लिए पंजाबी तड़का. हेलो, पंजाबी तड़का हिमाचल शिमला ऑब्वियसली. हम मोमड़ा बैठे हैं सामने, मेनू डिसाइड कर रहे हैं. ये आ गए सबसे पहले मानस के लिए चिकन बिरयानी और ये है मॉम डैड का वेज बिरयानी. मेरा तो हो गया लंच, एकदम पेट भर के खा लिया. बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है. जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप लोग ये वाला ज़रूर ट्राई करना. प्राइस के अकॉर्डिंग खाना इतना ज़्यादा अच्छा है, इवन द क्वान्टिटी इज़ ग्रेट. खाना अच्छा है. आप बताइए. बहुत अच्छा, मतलब हम लोग इतना जगह घूमते हैं, हम लोग इतना अच्छी लगता है. आप तो हम लोग को एक ही बार में इतना ज़्यादा अच्छा लग गया एंड क्वांटिटी इतना ज़्यादा था. मेरा तो मशरूम मैंने खाया ही नहीं, पैक करवा दिया रात के लिए. अब दादा जब ये सारा घूम के आ जाओगे, जहाँ ड्रॉप करेंगे वहाँ पे पहुँच के कॉल करना है. यहाँ गाड़ी पार्किंग नहीं है, ऊपर गाड़ी वापस नीचे आती है. हम पहुंच गए अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन एंड दिस इज द वाइसरीगल लॉज. ये था समर रेसिडेंस ऑफ द इंडियन वाइसरी. तो जब ब्रिटिश लोग रहते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, शिमला इज़ नोन एज द समर कैपिटल ऑफ इंडिया. तो उस टाइम पे ये बनाया गया था. दिस इज़ लाइक अ वेरी कॉलोनियल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मेड बाई द ब्रिटिशर्स, विच इज़ नाउ यूज एज एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज. चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग और क्या देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं. डेफिनेटली हमें लेना होगा सबसे पहले टिकट. तो हम आ गए हैं यहाँ पे टिकट काउंटर में. टिकट लेकर हम चलेंगे अंदर. अंदर में इट्स ऑल लाइक अ ब्रिटिश म्यूजियम काइंड ऑफ थिंग. तो हमने ऐसे टिकट ले लिया है, पर पर्सन 100 rupees अंदर एंट्री अंदर जाने का. तो इट इज़ अ मतलब गाइड इंक्लूडेड होगा एंड मास्क इज मैंडेटरी. हमारे पास मास्क थे नहीं तो उन्होंने दे दिया 10 for each. तो 40 rupees उसका लग गया. एंड अभी 3:30 का स्लॉट ही मिला है हमें. इनका स्लॉट वाइज होता है हाफ एन आवर का स्लॉट, क्योंकि मतलब एक बैच जाता है उसके बाद वो बंद कर देते हैं एंड देन नेक्स्ट बैच. तो हमारा 3:30 का टाइम है. अभी बस 3:00 हो रहा है तो हम बस ऐसे इधर का गार्डन वगैरह घूम रहे हैं एंड देन जब 3:30 तक हम वहाँ चले जाएंगे मेन गेट में. एंड अंदर कैमरा फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो वो मैं नहीं करूँगी. बाहर आके मैं बता दूँगी क्या है नहीं. अभी आप लोग थोड़ा ये एंजॉय करिए.
यहाँ का गार्डन इज सो प्रिटी, आई जस्ट कांट गेट ओवर इट। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स अच्छे से मेंटेन किया है उन्होंने। अभी हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं एंड अंदर में तो मतलब कैमरा वगैरह नहीं अलाउड है। हम लोग बाहर आ गए हैं अंदर का टूर लेके एंड क्योंकि मास्क कंपलसरी था इसलिए हमने मास्क पहना है। यू गेट टू नो सो मच अबाउट दिस प्लेस, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड मतलब कितना कुछ देखने को मिलता है। द पिक्चर्स लाइक एक अलग ही जोन है अंदर, इट्स वेरी गुड। मतलब आई एम रियली नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री बट मुझे अंदर जाके मैं खुद इतनी इंटरेस्टेड हो गई थी, मैं सारे जो लिखा हुआ था पिक्चर्स दिख रही थी अच्छे से। इट्स वेरी नाइस टू नो द हिस्ट्री ऑफ योर ओन कंट्री। तो आप जैसे यहाँ से एंटर करोगे, यहाँ से आपको गाड़ी यहाँ पे उतार देगा इस सर्कल के यहाँ पे, आपको इस वाले बिल्डिंग में जाना है एंड यहाँ से यू हैव टू गेट द टिकट। टिकट काउंटर इसके अंदर है। टिकट लेने के बाद यू कैन गो जब आपके स्लॉट्स आ जाएंगे। जो सबको पूरे ग्रुप को लेकर घूमेगा दे विल इंस्ट्रक्ट यू वेरी, दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। बाकी तो आपको खुद से ही पढ़ना है। द पिक्चर्स लगे हुए हैं, एंटीक सामान रखे हुए हैं जो ब्रिटिशर्स के थे, जैसे कि डाइनिंग टेबल, उनका स्टडी टेबल, उनका हाँ चेयर्स वगैरह। लॉट से निकल के अब हम आ गए हैं टू गोइंग टू आर सेकेंड प्लेस, दैट इज द मॉल रोड। तो कार हमारी जो है नीचे लिफ्ट के पास छोड़ी है। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द लिफ्ट विच विल टेक अस डायरेक्टली टू द मॉल रोड एज इट सेज। मेरा द फर्स्ट टाइम है, लेट्स सी कैसा होता है क्या होता है। अंदर लिफ्ट से मॉल रोड देखते हैं। गाड़ी तो हमें सामने उतार दी है तो अभी हम जाएंगे अपने से लिफ्ट से ऊपर एंड देखते हैं ऊपर में क्या है। आपको टिकट ले लेना है विच इज़ 10 rupees पर पर्सन एंड एक लिफ्ट में हम आ गए। अब हम जा रहे हैं दूसरे लिफ्ट की तरफ, सेकेंड लिफ्ट विच रीच टू मॉल। फाइनली दो लिफ्ट क्रॉस करके भागम दौड़ी करके हम पहुंच गए अपनी डी मॉल रोड शिमला। एंड भाई साहब लिफ्ट ना इतनी कचाकच भरती है, मतलब एक 15 से 16 लोग वो भर जाती है, इतनी बड़ी सी लिफ्ट है। बट मॉल रोड में भी देख रहे हो कितनी ज़्यादा गर्दी है। चलो कोई नहीं, पहुंच गए अपना डी मॉल रोड शिमला, एंजॉय करते हैं, देखते हैं क्या क्या है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। मम्मी लोग यहाँ रुक गए शॉल देखने के लिए, अंदर में गए शॉल देखने। यहाँ पूरा मार्केट में ऐसे सारे लाइन से शॉपिंग एरियाज ही हैं एंड मौसम अच्छा है इसीलिए वी कैन वॉक। देखिए पूरा मार्केट पूरा एक्सप्लोर वॉक बाई वॉक ही हम कर सकते हैं, यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड है नहीं। इस साइड से चल के आ रहे थे, अब इस साइड जाएंगे ऊपर जो जाएगा चर्च के साइड में, क्योंकि उस साइड हमें जाना है रोप वे। तो हम जा रहे हैं जाकू टेम्पल के साइड। एक्चुअली जाकू टेम्पल जाने के लिए या तो हमें व्हीकल लेना होगा अलग से या फिर रोप वे भी है, तो वी आर ट्राइंग फॉर रोप वे, देखते हैं आगे क्योंकि वो बहुत ऊपर हाइट में ही है। यहाँ से दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो दूर में दिख रहा है आपको वो जो स्टैचू है, हमें वहाँ तक जाना है भाई साहब, बहुत ज़्यादा दूर है। तो आप एक बार ऊपर चल के आ जाओगे आपको यहाँ पे द ब्रू स्टेट दिख जाएगा। इसके सामने से जो रोड ऊपर जा रहा है आपको उसी साइड जाना है।
रोपवे के लिए टिकट काउंटर में हम आ गए हैं एंड द प्राइस फॉर पर पर्सन टू वे इट इज 490 एंड वन वे इट इज 265. तो इट इज बेटर, अब जब रोपवे यूज ही कर रहे हो तो यू शुड टेक टू वे, आई वुड सजेस्ट. हम रोपवे के लिए ऊपर आ गए हैं, लिफ्ट से हमें 11th फ्लोर आना होता है एंड उसके बाद हम यहाँ पे कैफेटेरिया बना हुआ है जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ वेट कर रहे हैं. एक मतलब पहला रोपवे आएगा उसके लिए वेटिंग लिस्ट है, हम सेकेंड रोपवे जब आएगा उसमें जाना होगा, तो एक 5-10 मिनट्स का वेटिंग है एंड लास्ट रोपवे वहाँ से आएगा 6 o'clock. सो वी हैव लाइक अराउंड 1 or 2 कवर जापू टेम्पल, तो वो एक घंटे में हो जाएगा. ऑल्सो आई मेट सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 1 मिनट. What? What the? रोपवे में हमें लगा है अराउंड 7 to 8 मिनट्स एंड अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ एंड यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर एंड ऑल है, तो आई विल कीप माई फोन गोप्रो एवरीथिंग इनसाइड. एक बार मंदिर के अंदर से दर्शन करके निकलने के बाद आई विल कंटिन्यू. यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डर डर के वीडियो ले रही हूँ, तो ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है यही है जाको टेम्पल. हम अंदर से दर्शन करके आ गए हैं एंड काफ़ी सुंदर सा है, तो अभी हम जाएंगे the main attraction point of this place. तो हमने दर्शन करके हम बाहर निकल गए हैं, अभी हम जा रहे हैं वापस रोपवे की तरफ. तो रोपवे का हमें टिकट पड़ा था 450 रुपीज टू वेज. तो अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं रोपवे के यहाँ से. दिस इज द व्यू. मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा. थोड़ा डर लगता जब मैं नीचे देख रही थी, बट ऊपर देखने में बहुत अच्छा व्यू भी अच्छा लग रहा था. एंड अगर आप लोग गाड़ी से आओगे तो बहुत ज़्यादा चढ़ना होगा. दिस इज लाइक अ सीढ़ी, बिल्कुल थोड़ा सा चढ़ना पड़ा एंड यू गेट द बेस्ट व्यू. सेव टाइम. इतना सुंदर व्यू है ना पूरा, ये शिमला मतलब जो मॉल रोड का पूरा व्यू आता है. मैं आप लोगों को एक बार बैक कैमरे में भी दिखाती हूँ. सो द रोपवे का जो एक्सपीरियंस था बहुत ज्यादा अच्छा था. मेरा तो फर्स्ट टाइम था. आपका आपका फर्स्ट टाइम था ना? क्योंकि हम लोग कश्मीर में गुलमर्ग उस टाइम बंद था, तो वी कुडंट डू, बट बहुत अच्छा लगा. मॉम डैड नहीं आया क्योंकि वो इतना दूर चलना पड़ता, क्योंकि रोपवे का जो बिल्डिंग है वो थोड़ा सा चलना पड़ता है, बट इट इज ऑल वर्थ क्योंकि वो जाकू टेम्पल बहुत ही ज्यादा फेमस है. मैंने जो हनुमान टेम्पल दिखाया, मतलब जो वो मूर्ति दिखाया जिस कितना बड़ा, मतलब बहुत अच्छा लगा. सो नाइस शिमला डे 1 सक्सेसफुल. तो हम जाकू टेम्पल का रोपवे से उतर के चल चल के आ गए थे नीचे सेकंड डेस्टिनेशन, दैट इज़ दी क्राइस्ट चर्च शिमला. ये भी उनका पॉइंट है जो मॉल रोड पे ही पड़ता है. मैं आप लोगों को एक बार उनको दिखा देती हूँ और पूरा डिटेल्स दे देती हूँ. द क्राइस्ट चर्च शिमला तो इज़ अ मस्ट प्लेस जो आपको विजिट ही करना होगा व्हेन यू आर ऑन अ ट्रिप टू शिमला. एंड आप मॉल रोड आओगे, मॉल रोड में जो रिज है उसके पास में ही ये बना हुआ है.
ये चर्च इसलिए बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट आर्किटेक्चर एंड द व्यू इट ऑफर्स फ्रॉम द प्लेस. कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1844 और इसे लगा अराउंड 11 टू 12 ईयर्स टू कम्प्लीट. हम चर्च के आगे आके यहाँ पे एक पॉइंट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वी आर जस्ट चिलिंग हियर एंड यहाँ से बहुत पर सनसेट भी दिख रहा है एंड सामने पूरा शिमला का व्यू, इट्स वेरी प्रिटी. वी जस्ट एंजॉयिंग हैविंग सम नाइस टाइम, इसलिए मैं ब्लॉग थोड़ा कम कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भी है इसलिए. मॉल रोड पूरा कवर करके यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं ये सब देख के अब हम जा रहे थे अपने नीचे गाड़ी जहाँ पे पार्क की हुई है उसकी तरफ. ऑन द वे हमने खाया दी बेस्ट पानीपुरी एंड दी वर्स्ट मोमोज विद दिस ब्यूटीफुल नज़ारे. Hey guys, we are back home. Now it is around 8:15. हम 7:45 तक घर आ गए थे. मॉल रोड से चल 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 के बहुत दूर तक आना पड़ा था. वी रियली टायर्ड क्योंकि इतना दो दिन का ट्रेन जर्नी, देन इट वॉज रियली टायरिंग पूरा दिन. फिर हम बाहर ही थे यहाँ वहाँ, तो आज के दिन तो काफ़ी अच्छा रहा. हमने मॉल रोड से ही आते वक्त पानीपुरी वगैरह खा लिया था तो अभी उतना भूख भी नहीं है. वी रियली टायर्ड, जैसे हम आए वी जस्ट क्विकली चेंज एंड जम्प्ड इनटू अ बेड. तो बस अब ऐसा मन कर रहा है सो जाए, कुछ खाए भी नहीं. तो बस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगेन विद द डे टू इन शिमला. कल का हमारा शायद कुफरी का प्लान है तो लेट्स सी क्या होता है. आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो. अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डू कॉमेंट इफ यू आर एन्जॉइंग दिस ट्रैवल सीरीज. तो मिलते हैं कल विद अगेन अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.